इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी गंगा की खबर पर फिर लगी मुहर। वाराणसी और कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी। गृह विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुल 21 प्रस्ताव पास हुए हैं। सीएम आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक थी, जहां पश्चिम बंगाल से सीधे आने के बाद कैबिनेट इस बैठक में सबसे अहम बात वाराणसी और कानपुर के लिए कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने की है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी विवेक त्रिपाठी से। विवेक, ये बताइए, इस खबर पर हमने ये खबर दिखाई कि दो नए कमिश्नरेट को लेकर उत्तर प्रदेश में नई तस्वीर बन सकती है, और किस तरह की डिटेल? जी स्नेहलता, देखिए ये बात बहुत दिनों से चल रही थी कि लखनऊ और नोएडा के अलावा अन्य जो जनपद हैं, 5 जनपदों को लेकर चल रहा था कि वहाँ भी कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो सकती है। इस बाबत एक प्रस्ताव डीजीपी मुख्यालय की तरफ से बना के शासन के स्तर पर भेजा गया था। आज जो बैठक हुई है उसमें इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। वाराणसी और कानपुर जो आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, 40 से 50 लाख के बीच में कानपुर की आबादी है, जबकि 10 लाख की आबादी से ज़्यादा अगर कोई शहर होता है तो वहाँ पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू करनी चाहिए, ऐसा प्रावधान है जो मानक है उसके, उसमें एक मानक ये भी है। और जब ये प्रस्ताव डीजीपी मुख्यालय की तरफ से गया है, हालांकि ये प्रस्ताव जो 5 जो शहर थे उनका मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था, कई महीनों से चल रहा था कि वहाँ पर भी जो पुलिस आयुक्त प्रणाली है वो लागू हो जाएगी, लेकिन ये अचानक आज जो फैसला हुआ है, आज ये कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव रखे गए हैं और इसको जिस तरह से हरी झंडी दी गई है और कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने के लिए कहा गया है, उससे निश्चित तौर पर कानपुर और बनारस के साथ साथ प्रदेश के जो अन्य कई जनपद हैं, क्योंकि कानपुर मंडल आयुक्त वहाँ पर बैठते हैं, मंडल है, बनारस भी मंडल है, वहाँ पर तमाम अन्य जनपदों के मंडल के जो अन्य जनपद हैं वहाँ पर फरियादी आते हैं। पुलिस के पास अगर पावर आएगी तो जो जनपद के अलावा और अन्य जनपदों के अलावा अन्य जनपद है वहाँ के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। सरकार की ये पॉलिसी बहुत लंबे अरसे से चल रही थी, जो कानपुर और बनारस के अलावा मेरठ में भी ये, गोरखपुर में भी ये प्रस्ताव है ऐसा, लेकिन धीरे धीरे इनको आगे बढ़ाया जाएगा। जो आज जो दो जनपद जो हुए हैं, बाकी जनपदों की भी इसी सिलसिले में नंबर आएगा, इसी सिलसिले में उनकी भी कड़ी जोड़ी जाएगी। जो कमिश्नरेट प्रणाली जो सिस्टम चल रहा है नोएडा और लखनऊ के बाद कानपुर और बनारस, इसके बाद आगे जो अन्य शहर है वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। जी इसने लता, बिल्कुल विवेक, तो पुलिसिया कार्य प्रणाली काफी जल्दी फैसले लेने के लिए एक साधन मिल जाता है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में किसका नंबर लगता है। दो के बजाय अब 4 कमिश्नरेट प्रणाली लागू किए हुए जनपदों की संख्या हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। विवेक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।